डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है चीता और वन्य जीव संरक्षण दिवस का आयोजन राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली यानी दिल्ली चिड़ियाघर द्वारा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस और विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया गया यह आयोजन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहयोग से किया गया इस अवसर पर वन्य जीव संरक्षण और चिड़ियाघरों की भूमिका और चीता एक प्रमुख प्रजाति और खाद्य वेब विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान भी किया गया इस आयोजन का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी के बीच वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है आपको बता दें कि ये दोनों दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाए जाते हैं अब बात करें अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस यानी इंटरनेशनल चीता डे की तो डॉक्टर लॉरी मार्कर ने चीतों के संरक्षण के लिए उन्नीस में एक चीता संरक्षण कोष यानी सीसीएफ की स्थापना की थी डॉक्टर मार्कर ने चार दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में नामित किया था चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस है और ये उन्नीस से साइट परिशिष्ट एक में शामिल है की रेड लिस्ट में इसकी स्थिति वेलनरेबल है अब बात करें विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे की तो 2012 से 4 दिसंबर को ये दिवस मनाया जा रहा है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को वन्य जीवों के मुद्दों के प्रति जागरूक करना व संरक्षण हेतु तो अपील करना है ये दिवस पृथ्वी की लुप्त वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार करता है आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में पौधों और जानवरों की सौ से अधिक प्रजातियां IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल हैं